पिच में शायद उतना स्पाइस नहीं हो मनोज, लेकिन मैच में स्पाइस भरपूर था। दो कैरेक्टर्स दोनों टीम से, कप्तान विराट कोहली और बेन स्टोक्स, दोनों एक ऐसा समय आया भिड़ गए, काफी देर बातचीत होती रही, अंपायर्स को बीच में आना पड़ा। उसके बाद भी जब विराट कोहली अपनी फील्डिंग पोजीशन पे चले गए, बेन स्टोक्स नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, तब भी वो बात कर रहे थे उनसे, शायद मोहम्मद सिराज से कुछ अनबन हो गई थी बेन स्टोक्स की। आपकी क्या राय उस पर? नहीं देखिए, इसलिए मैं विराट कोहली को हमेशा मानता हूं क्योंकि वो हमेशा डिफेंड करते हैं अपने प्लेयर्स को। और इस मौके पे भी अगर आप देखें इंसिडेंट को, जब मोहम्मद सिराज ने बाउंसर मार के सिर्फ आई टू आई कॉन्टैक्ट किया था बेन स्टोक्स को, और बेन स्टोक्स को हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड में एक ऐसे खिलाड़ी है जो वो भी पीछे हटने वाले में से नहीं है, तो वो सामने आ रहे थे कुछ बोलने के लिए मोहम्मद सिराज को, और उसी टाइम विराट कोहली जाके उसको काउंटर अटैक किए, उनसे वर्बल चैट कर रहे थे कि क्यों ऐसा किए तुम वहां पे, मोहम्मद सिराज कुछ बोले नहीं है। यही चीजें तो विराट कोहली की बहुत अच्छी लगती है, अपने प्लेयर्स को डिफेंड करते हैं, क्योंकि डिफेंड अगर नहीं करते तो वहां शायद थोड़ा सा मोरल हो मोहम्मद सिराज का थोड़ा सा डाउन होता और फिर वो एग्रेसिवली जाता नहीं उसके बाद वाले ओवर्स में। तो ये जब आपको सपोर्ट मिलता है कप्तान का कि नहीं तू जाके कर, मैं हूं तेरे साथ, तो यही तो एक प्लेयर को आगे लेके जाती है।